Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 2nd of chapter 7, Integration. In the previous video of this chapter, we were discussed the topic integration. What is the basic concept, meaning, definition of integration, also some formulas regarding integration. Now, in this video, we are going to discuss how the formulas are applied in the question. Like, जैसे आपको question में आ जाए, हमने जैसे किया था, integration को anti-derivative भी बोलते हैं, anti-differentiability भी बोलते हैं, मतलब कि यह reverse step of derivative differentiability. So, आज हमको question given होगे, हमने उनके anti-derivative integration find करना होगा. चाहे आपका anti-derivative लिखा जाए, integration लिखा जाए, मतलब बात same है. मतलब हमने क्या find करना है? Integration of 3x cube plus 4x minus 5x plus 7 dx. हमने previous video में कुछ properties discuss की थी integration की. जिसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी सम फर्स्ट और सेकंड होगी मे बी सम ऑफ डिफरेंस सॉरी सम और डिफरेंस इन इंटीग्रेशन. मतलब अगर आपको कुछ नंबर्स का सम या डिफरेंस का इंटीग्रेशन फाइंड करना हो तो आपने कैसे करना होता है, सबके ऊपर सेपरेट इंटीग्रेशन लिख दो. ये हमने सबके साथ इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया. हमें पता है फिर कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी होती थी के एफ एक्स डी एक्स. इसको इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, तो हम सब में से कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे. हमने फिर किया था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू पावर एन डी एक्स. क्या होता है, जितनी x की पावर होती है उसमें एक इंक्रीज कर देना होता है और जो पावर होती है वही डिनोमिनेटर में आता है. अभी यहाँ पे x की पावर 3 है, एक इंक्रीज कर देंगे तो बन जाएगा 4, फिर वही डिनोमिनेटर में. यहाँ पे x की पावर 2 है, एक इंक्रीज कर देंगे 3, वही डिनोमिनेटर में. यहाँ x की पावर 1 है तो यहाँ बन जाएगा 2, डिनोमिनेटर में भी सेम. कॉन्स्टेंट की इंटेग्रेशन क्या होती है, एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. अब ये हमारा गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आ गया, ये रहा. ठीक है, सो बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूला कंसेप्ट पता होने चाहिए, देन आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू रूल यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स. डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है. अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना. सबसे पहले आपने ना स्टेटमेंट को अच्छे से नोट कर लेना है, अगर आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई देन आपका आंसर भी कहां से करेक्ट आ जाएगा. नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे ऊपर वाले फंक्शन के साथ. जितनी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको उसका क्या है ट्रिक पता चलेगा कि कैसे हमने हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अब 1 cos किसका रिवर्स होता है, सेकंड का, तो ये बन जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स. एंड इसको मैं ब्रेक करके लिख लेती हूँ, साइन ओवर कॉस इंटू 1 cos. ऊपर तो साइन, नीचे कॉस स्क्वायर को मैंने कॉस इंटू कॉस लिख दिया. उसके बाद इसको मैं कह 1 cos क्या बन जाएगा, सीकेंट एक्स साइन 1 cos टेन एक्स. अब हमें पता है सीकेंट स्क्वायर किसकी इंटीग्रेशन होती है, टेन एक्स की. सीकेंट एक्स टेन एक्स किसकी इंटीग्रेशन होती है, सीकेंट एक्स की प्लस सी. तो ये हमारे जो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन फाइंड करना था उसकी वैल्यू आ चुकी. सो सिंपल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 sin 2x dx. इसको कैसे करना है ध्यान से समझना. सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इसको ओपन कर रही हूँ, बिकॉज वी नो दैट
What is the formula of sine 2x? Sine 2x is equals to 2 sine x cos x. जितना यहाँ एंगल होगा उसका हाफ साइन कोस के साथ आ जाएगा. अब ये बन रहा है 2ab, मतलब 2ab, ठीक है. अब हमें क्या चाहिए आगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब यहाँ पे a मेरा है साइन x, b मेरा है cos x. मैं 1 को एज आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ बिकॉज साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है. देन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैंने 1 को लिख लिया साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर. अब ये बन गया a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब यहाँ पे क्या आ गया साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर. ऊपर क्या था स्क्वायर रूट, इसकी इंटेग्रेशन. स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो पीछे हमारे क्या रह गया साइन x प्लस cos x की इंटेग्रेशन. इंटेग्रेशन सेपरेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू dx, साइन के साथ cos के साथ सेपरेट कर दिया. साइन की इंटेग्रेशन cos माइनस cos x, cos की इंटेग्रेशन साइन x प्लस कॉन्स्टेंट. फ्रेंड्स यहाँ पे एक मिस्टेक मत करना, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं बिकॉज माइंड में डेरिवेटिव का कंसेप्ट है साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, तो नहीं इसका उल्ट होता है साइन का माइनस कोस, मतलब इंटेग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का इंटेग्रेशन साइन एक्स, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन के दो पार्ट है, ध्यान से देखना. इवेल्युएट द इंटेग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स. देखो स्क्वायर को एक बार छोड़ दो, अंदर क्या है x में एक लीनियर इक्वेशन है, x में एक लीनियर इक्वेशन है इन सेंस बिकॉज x की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है. सो अंदर लीनियर फंक्शन का एक पावर है, कभी भी x लीनियर फंक्शन में उसकी पावर देना, आपको इंटेग्रेशन कैसे करना है जैसे पहले करते थे, एक पावर इंक्रीमेंट कर दो डिनोमिनेटर में सेम. अब यहाँ पे स्पेशल क्या आएगा, जो एक्स का कोफिशियंट है वो भी लिखना जरूरी है. ये आपका आंसर, तो इसका आंसर क्या आ गया ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का क्यूब 1/3a प्लस कॉन्स्टेंट. देखो मतलब कभी भी अंदर लीनियर फंक्शन हो उसके ऊपर कितनी भी पावर पड़ी हो आप क्या करोगे, बस पावर इंक्रीमेंट कर दोगे वही डिनोमिनेटर में, एंड साथ में हम क्या कर देंगे जो भी x का कोफिशियंट है उसको डिनोमिनेटर में रख देंगे प्लस कॉन्स्टेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 2x माइनस 4e रेज टू पावर 3x dx. पहले हम सेपरेट कर देते हैं, साइन 2x के साथ इंटेग्रेशन सेपरेट, 4 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देते हैं, e रेज टू पावर 3x dx. साइन की इंटेग्रेशन क्या होती है माइनस कोस, तो पहले माइनस कोस लिख दो. एंगल एज इट इज, कभी भी एक्स का कोफिशियंट हो जैसे यहाँ पे एक्स का 2 है वो नीचे लिखना जरूरी है, जहाँ पे एक्स का कोफिशियंट ए था ए लिखा था, एक्स का कोफिशियंट 2 है 2 लिखना है. माइनस 4 ई रेस्ट का, जैसे ई रेस्ट का कुछ भी आ जाए वो डेरिवेटिव सेम है, वैसे इंटेग्रेशन भी क्या होता है सेम होता है. जैसे हम एंगल का डेरिवेटिव उसके साथ लिखते थे 2x का डेरिवेटिव 2, इंटेग्रेशन में क्या होता है रिवर्स, तो यहाँ पे डिवाइड में आएगा. सिमिलरली e की पार क्या है 3x, फिर हम पार का अलग डेरिवेटिव करते थे 3x का डेरिवेटिव 3, तो वो क्या है डिनोमिनेटर में. कहने का मतलब कभी भी आप जैसे डेरिवेटिव में जो एंगल पावर होती थी उसका सेपरेट डेरिवेटिव साथ में करते थे, जो आता था वो साथ में लिखते थे. यहाँ पे जो एंगल या पावर का डेरिवेटिव है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट द इंटेग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स. देखो ये यहाँ पे साइन है, अगर सपोज कोस आ जाए तो आपने उसके फॉर्मूले क्यों है 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा. देखो ये तो एंगल होता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब अगर प्लस आ गया तो ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, माइनस आ 2 ऑफ साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, बट ये तो साइन में है तो इसको आपने कैसे करना है, अगर कोस होता तो आप ये वाला कंसेप्ट यूज कर लेते, बट यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पे रैशनलाइज. ठीक है, अब ऊपर क्या बन गया 1 इंटू दिस
1 plus sin x as it is. नीचे है 1 minus sin x, 1 plus sin x. देखो a minus b, a plus b, तो क्या बन जाता है, a square minus b square. 1 minus sin square किसकी इक्वल होता है, cos square x के. अब यही सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको सेकंड क्वेश्चन में जो कराया था वैसे ही था. क्या करेंगे हम, 1 by cos square x सेपरेट कर लेंगे प्लस sin x ओवर cos square x सेपरेट कर लेंगे. इसके बाद आपने खुद सॉल्व करना है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ, वो आ जाएगा tan x प्लस secant x प्लस c. ये आपने खुद सॉल्व करना है बिकॉज मैंने इसके सेकंड क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करवाया हुआ है एज इट इज. दोनों बस यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है. ठीक है, सो ये खुद कर लेना आप. नाउ नेक्स्ट इज द फाइंड इंटेग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स. देखो अगर ऊपर कुछ ना होता, सिर्फ 1 होता, तो आप क्या करते, 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू ये पुट कर देते, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2. कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाता है, सीकेंट स्क्वायर, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन. बट यहाँ पे ऊपर कॉस एक्स है तो हम नहीं अप्लाई कर सकते. तो मैं कैसे करूँगी इसको, यहाँ पे कॉस एक्स है ना, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ 1 एड 1 सब्ट्रैक्ट. मैंने क्या कर दिया, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया. इन दोनों को एक साथ रख लो, क्यों, बिकॉज ये सेम डिनोमिनेटर की तरह बन जाएगा. माइनस इसको हम कैसे करेंगे, 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स. अभी ये तो कैंसिल हो जाएगा 1. अभी मैंने बताया था अगर प्लस सा जाए ऊपर कुछ ना 1 हो तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू 2 कॉस के एंगल का हाफ कर देंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स एंगल का हाफ, 1 की इंटेग्रेशन x, 1 बाय 2 बाहर निकाल देते हैं. कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एंगल का हाफ. ये आ गया x, ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर की इंटेग्रेशन tan. अब हम पता है एंगल का डेरिवेटिव 1 बाय 2, बट हमें पता है नीचे लिखना है, इंटेग्रेशन में कभी ऊपर नहीं लिखते. इंटेग्रेशन में जो भी एंगल का डेरिवेटिव या पावर का डेरिवेटिव होता है या कोफिशियंट होता है उसका, उसको हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं. तो ये 1 बाय 2 के साथ 1 बाय 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, कभी ऊपर 1 ना जाए जब 1 प्लस कॉस 1, तो हमेशा इस फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्टली आप कर सकते हो. नाउ अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, लास्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटेग्रेशन ऑफ साइन 6x पावर प्लस कॉस 6x dx. डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x. ये थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना. सबसे पहले आपने क्या करना है, हमें न्यूमिनेटर में ऊपर हमें स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर चाहिए, तो मैं पावर को ब्रेक करके लिख लेती हूँ. 6 को लिख लेती हूँ 2 इंटू 3, सिमिलरली कॉस को हमने क्या लिख लिया, 2 इंटू 3. अभी नीचे वाले को डिनोमिनेटर को एज इट इज रख दो. यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, इनके दोनों के बीच में प्लस नहीं है, कहीं आइडेंटिटी 1 पुट कर दो. ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, वो मैं लिख देती हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब. क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. मैं माइनस का ही फॉर्मूला बता देती हूँ, कभी यूज कर सकते हो. अगर दोनों में प्लस है तो प्लस आती है, दोनों में माइनस है तो माइनस आएगी. यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आती है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, मतलब ये वाला साइन ऑपोजिट होते हैं. अब हमारा कौन सा फॉर्मूला है, बीच में प्लस है, ये वाला यूज करेंगे. इनको कंपेयर करो, देखो ए की पावर 3, इसकी पावर 3 मतलब ए हमारा यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स. अब बी की पावर 3, किसकी पावर 3 है, कॉस स्क्वायर, तो बी हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स. अब इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट कर दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. यहाँ पे ए की करनी है स्क्वायर, मतलब इसकी भी स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस अब बी की भी स्क्वायर कर दो, माइनस क्या है, ए बी दोनों की प्रोडक्ट. डिनोमिनेटर में एज इट इज रख देंगे,
अब ये तो डंटी बन रही है, साइंस स्क्वायर एक्सप्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो वन नहीं हो जाएगा हमारा, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो पीछे रह गया उसको एज इट इज लिख लो। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूलेज क्या है पता होने जरूरी है। आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज या तो मैं आपको किसी स्पेशल वीडियो में बना के दे दूंगी, या क्या करें प्लस वन की बुक उठाए मैथ्स की, पहले उन फॉर्मूलेज को एक कॉपी में नोट कर लीजिए और उनको जब आप यूज करते रहोगे बार बार तो अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगे। अब देखिए ये क्या बन रहा है, अगर मैं इसको ए, हमने ए सपोज किया ना, तो ये बन गया ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस, बट हमें आइडेंटिटी जो की हुई है वो क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब मेरे को प्लस टू ए बी यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, एड एंड सब्ट्रैक्ट टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने टू साइन स्क्वायर एक्स ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये पीछे वाला एज इट इज रख दिया। अब बन गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यही बन गया ना हमारा। ये बन गया सेम है, तो ये बन गया माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे मैं एक स्टेप शॉर्टकट कर रही हूँ, चलो मैं बाद में कर देती हूँ, रहने दो, कंफ्यूज मत हो जाना। ये बन गया वन, वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, डिनोमिनेटर वाला मैंने सेपरेट कर दिया दोनों के साथ माइनस। जब मैं इसको सेपरेट करूंगी तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो। अब ये वाला तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया माइनस थ्री को बाहर निकाल दो वन डी एक्स, इसको हम वन है, वन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स डिनोमिनेटर में एज इट इज। अभी इसको सेपरेट कर लो, तो हमने क्या है सेपरेट कर लिया, हमने क्या किया इस साइन स्क्वेयर के साथ डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया, इस कॉस स्क्वेयर के साथ डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया। अब जो कैंसिल कर सकते हो कर दो, ये हो गया, यहाँ पे रह गया वन बाय कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, यहाँ पे रह गया वन बाय साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स, यहाँ पे ये एज इट इज। हमें पता है वन बाय कॉस स्क्वेयर एक्स का तो सिकेंड स्क्वेयर, वन बाय साइन स्क्वेयर कोसिकेंड स्क्वेयर, ये एज इट इज। सिकेंड स्क्वेयर एक्स का इंटेग्रेशन टेन एक्स होता है, कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स का इंटेग्रेशन कोट एक्स होता है, वन का इंटेग्रेशन हमें पता है क्या होता है एक्स होता है, तो ये हो गया। अब हमारा आंसर आ चुका है, ये इसकी वैल्यू हमने क्या है सॉल्व कर दी। आई रिपीट, सबसे पहले पावर को ब्रेक किया टू इंटू थ्री में, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ए को साइन स्क्वायर एक्स बी को कॉस स्क्वायर एक्स हमने क्या है पुट कर दिया इस फॉर्मूले में, तो ये कुछ फॉर्मूला इस तरह बन गया, ये तो आइडेंटिटी वन बन गई, खत्म हो गया। ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये मैंने आइडेंटिटी प्लस टू ए बी चाहिए थी, तो मैंने टू ए बी क्या कर दिया एड कर दिया, टू ए बी सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, इसको लिख दिया, अब ए मेरा क्या था साइन स्क्वेयर एक्स, तो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, माइनस 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 क्या हो गया थ्री, ये बन गया हमारी आइडेंटिटी वन का स्क्वेयर, तो वन डिनोमिनेटर एज इट इज, इसके साथ डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया, ये कैंसिल हो गए, वन की वैल्यू मैंने पुट कर दी साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, फिर इसको भी सेपरेट कर लिया, फिर वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा सीकेंट स्क्वायर एक्स, वन बाय साइन स्क्वायर एक्स कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है, देन इंटेग्रेशन सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। सो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं, अब आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, ऑल्सो यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो उनके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, बिकॉज वो भी घर बैठ के इजीली क्या है अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और क्वेश्चन जो होते हैं मेरे
जो मैं करवाती हूँ उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करने करते हैं, उसके बाद वो अगर अपनी बुक भी उठाते हैं तो उनके क्वेश्चन बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है या बुरा लगता है मेरी वीडियो के रिगार्डिंग, वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। ये रहे प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, साथ में इनके आंसर हैं। अच्छे से नोट करना, स्टेटमेंट मिस्टेक मत कर देना। ये क्वेश्चन आपने कैसा करना है मैं हिंट बता देती हूँ। आपने इसकी इंटेग्रेशन कर देनी है। इंटेग्रेशन करके आपका एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा, उसमें ये वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हमारी कॉन्स्टेंट की वैल्यू जाएगी, एफ का एफ एक्स आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।